एक ड्रैगन फ्लाई और मधुमक्खी। एक ड्रैगन फ्लाई और मधुमक्खी। एक बार एक ही मोहल्ले में एक ड्रैगन फ्लाई और मधुमक्खियाँ रहती थी। मधुमक्खियाँ सुबह से रात तक काम करती, पर ड्रैगन फ्लाई बहुत आलसी था। चलो मस्ती करते हैं। पर मधुमक्खियाँ ड्रैगन फ्लाई को देखती और काम करती रहती। तुम क्यों नहीं खेलते, चलो मजे करें। और ड्रैगन फ्लाई उड़कर नाचती और मस्ती करती रहती। जीवन बहुत सुंदर है, मैं मस्ती करना चाहता हूँ। दिन बीतते गए, ड्रैगन फ्लाई बिना रुके मजे करता गया। एक बार वो एक मधुमक्खी से मिला और बातें करने लगा। छोटी मधुमक्खी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने रिश्तेदारों के काम में मदद कर रही हूँ। ओ छोटी मधुमक्खी, चारों ओर देखो, सब कुछ कितना सुंदर है। तुम सिर्फ काम करती हो और सब कुछ मिस कर देती हो। हाँ, पर हम में से सब मेहनत कर रहे हैं। ओ तुम बाद में काम कर लेना, चलो बस खेलते हैं। क्या तुम जीवन की मस्ती को याद रखना नहीं चाहते? नहीं, मुझे भी खेलना अच्छा लगता है, पर पहले काम करना जरूरी है। ओ चलो भी, इतना उबाऊ मत बनो। ठीक है, चलो खेलते हैं, पर थोड़ी देर के लिए बस। और ड्रैगन फ्लाई और मधुमक्खी खेलने लगे। उन्होंने बहुत मस्ती की और बहुत खुश हुए। जब मधुमक्खी ने अपने बच्चों को खेलते हुए देखा तो कहा, बेटा तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? पर मैं खेलना चाहता हूँ। तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हारे सारे दोस्त और रिश्तेदार काम कर रहे हैं। पर देखिए, ड्रैगन फ्लाई काम नहीं कर रहा। देखो सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और हमें सर्दियों की तैयारी कर लेनी चाहिए, इसलिए चलो काम करते हैं। तुम भी काम करोगे तो अच्छा रहेगा, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो सर्दियों का मौसम कैसे गुजारोगे? ओ मेरे पास अभी बहुत समय है, सब ठीक हो जाएगा। मैं सूरज और वर्तमान पल का आनंद लेना चाहता हूँ। और ड्रैगन फ्लाई लगातार मस्ती करती रही, जबकि मधुमक्खी अपने काम पर लौट गई। और फिर सर्दी शुरू हो गई और ठंड बढ़ने लगी और कड़कड़ाती ठंड आ गई। मधुमक्खियों ने अपना भोजन और घर तैयार कर लिया था, इसलिए वो सुरक्षित थी। पर ड्रैगन फ्लाई ने ना तो अपने लिए घर बनाया था और ना ही भोजन का इंतजाम किया था। उसे बहुत ठंड लग रही थी और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो मधुमक्खियों के घर गया और अंदर जाने के लिए कहा। मधुमक्खियों ने ठंड से तड़पते हुए ड्रैगन फ्लाई को देखा और उसे अंदर बुलाकर खाना दिया। अब ड्रैगन फ्लाई को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। शिक्षा: जीवन सिर्फ मस्ती करने का नाम नहीं है, हमें मेहनत करनी चाहिए और भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए।